गाइस हाउ आर यू सब वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ आया हूं गाइस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यार, ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दिया करो इन सारे क्वेश्चंस को, करें क्या, चलो तो करते हैं। देखो, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय सोपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। चलो लिख देते हैं, इसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, होगी भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक होगी 10 सेंटीमीटर, हो गई। एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, इसका जो रेडियस है गाइस ये 3.5 सेंटीमीटर का है यहाँ से लेके यहाँ तक का। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। देखो बिल्कुल इसे कुछ नहीं है, देखो ये एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर के अंदर से दो हेमिस्फेयर निकाल लिए, एक ऊपर से निकाल लिया एंड एक ये नीचे से हेमिस्फेयर निकाल लिया ना गाइस, निकाल लिया। अब हमें इस बचे हुए सिलेंडर और वी कैन से दैट जो भी ये चीज बन गई, जो भी ऑब्जेक्ट है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस में ये वाला हेमिस्फेयर क्यूब, क्योंकि ये निकला है तो अंदर सरफेस छोड़ के गया है ना, हाँ, तो इसका सरफेस प्लस इसका सरफेस, मतलब तीन सरफेस एरिया में ऐड करना है, दो हेमिस्फेयर के और एक सिलेंडर का करना है। चलो करते हैं, देखो हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी गाइस, ये है 10, ओ क्या लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। एंड ओ गाइस सब कुछ उल्टा पुल्टा लिखे जा रहा हूँ आज मैं। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, और ये हेमिस्फीयर का रेडियस भी सेम है, ठीक है, ठीक है। नाउ टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट और वी कैन से द रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा गाइस, सिलेंडर का एरिया 2πRh प्लस में हेमिस्फीयर का एरिया, हेमिस्फीयर का एरिया कितना है 2πR², ये होता है सरफेस एरिया, और कितने हेमिस्फीयर हैं, दो है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, और वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, हो गया ये, हो गया। चलो तो इसमें से कॉमन भी तो आ रहा है बाय द वे गाइस, 2πR कॉमन आ रहा है, ले लीजिए फिर कॉमन आ रहा है, तो इंतजार किस बात का है, 2 × π की वैल्यूज भी पुट कर देते हैं साथ के साथ, इजी होगा, एक स्टेप कम करना पड़ेगा। R की वैल्यू 3.5 है तो मैंने 35 बाय 10 लिखी, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। प्लस में H बचा, H कितना है 10, प्लस में इधर बचेगा 2 × R कितना है 35 बाय 10 है। अब इसे सोल्व करते हैं, देखिए 7 × 5 = 5, 5 × 1 = 5, 2 = ये कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा गाइस 22, अंदर बचेगा 10 प्लस 70 बाय 10, LCM आ जाएगा गाइस अपने पास 10, सो ऊपर बचेगा कितना 100 प्लस 70 तो 170, और बाहर मल्टीप्लाई में थी अपने पास 22, 0 से 0 कैंसिल आउट, सो द रिमेनिंग पार्ट इज 22 × 70, इतना हो गया गाइस, हो गया। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो 374 क्या है गाइस, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर और द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। देखिए गाइस बिल्कुल इजी सा है ना, कुछ हार्ड नहीं था ना, बस ये करना है स्नैपशॉट, और स्नैपशॉट लेने की वैसे भी कोई जरूरत मत लीजिए, समझ आ गया होगा आई गेस, और समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे सेफ।